अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये रहमतों का, बरकतों का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आया है, जिसकी वजह से हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने फिर से हमारी ज़िंदगी में ये रहमतों का, बरकतों का महीना जो है वो ऐड किया है। तो यहाँ अल्लाह पाक सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की और बेहतर तरीके से रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बस यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल था, क्योंकि आज ओमान में जो है 29 शाबान थी, तो हमें यही था कि सऊदी में तो कल रोज़ा होगा और दुबई भी हमेशा सऊदी के साथ रोज़ा करता है, तो यही था कि हमारे पास रोज़ा जो है वो फ्राइडे को होगा। इसलिए जो डेकोरेशंस की चीज़ें लेके आई थी, तो इसको डेकोरेशंस का सामान आए हुए मुझे एक डेढ़ हफ़्ता हो गया, क्योंकि फिर जब एंड का टाइम आता है तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सब जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने पहले ही जाके तमाम चीज़ें ले ली थी, बस यही सोचा था कि रमज़ान से एक दिन पहले जो है हम घर को जो है थोड़ा सा सजा लेंगे और उसके बाद फिर व्लॉग बनाएंगे और अपना रमज़ान स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, सुना है पाकिस्तान में भी रोज़ा हो गया है और मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने टाइम्स ऑफ ओमान में मगरिब की नमाज़ के बाद देखा था, लेकिन मुझे ऐसी कोई न्यूज़ जो है वो नज़र में नहीं आई। लेकिन मेरी सिस्टर जो दुबई में हैं, उन्होंने तकरीबन 8 बजे मुझे कॉल की कि अस्मा, आप लोगों के पास जो है वो रमज़ान मुबारक। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि आप लोगों का भी रोज़ा है। तो हस्बैंड घर पे थे नहीं उस टाइम, कहीं काम से गए हुए थे, नहीं तो मुझे उनके थ्रू पता चल जाता। तो जब पता चला कि रोज़ा है तो एकदम से हबड़ तबड़ मच गई घर में, और बहुत सारे काम थे जो रहते थे वो जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिए, और वो काम फिनिश करने के बाद फिर हमने कहा कि अब सुबह तो जाहिर है रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो सहरी से पहले ही हमें जो है वो घर को थोड़ा सजा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को सजाते हैं, हर इवेंट में देखें, लोग बर्थडे पार्टी होती है तो बर्थडे डेकोरेशंस करते हैं, शादियों का फंक्शंस होता है तो शादियों से रिलेटेड चीज़ों की डेकोरेशंस होती हैं, तो क्यों ना रमज़ान में भी सब लोग थोड़ी बहुत अपने घर को सजाएं। ये रहमतों का, बरकतों का महीना है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ ओमान में आने के बाद देखी हैं। ओमान में तमाम लोग जो ओमानी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान का अहतमाम करते हैं, और जो मार्केट्स में इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इवन के बहुत ही खूबसूरत से बर्तन, बहुत ही खूबसूरत से दस्तरखान, ये तमाम चीज़ें मैंने देखा है कि ओमानी बाय करते हैं और फिर वही रमज़ान में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों को सजाते हैं। तो मैंने पहले भी अपने घर को सजाया हुआ है, लेकिन इस बार घर को सजा के और यूँ व्लॉग बनाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, और घर में अम्मा और बाबा भी हैं तो माशाल्लाह बहुत रौनक है और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम सब जो है वो बातें भी कर रहे हैं और एक दूसरे से आइडिया भी ले रहे हैं कि हमें जो है वो लाइट्स को कैसे लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए। तो ये है वो रमज़ान का जो डेकोरेशन पीस, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लिया और इससे मैचिंग से लाइट ली हैं, जिस पे जो है वो लालटेन बनी हुई है, इसमें भी फिरोजी और ऑरेंज कलर है, और एक और ये वाली लाइट ली है। तो बताइएगा आप लोग कि मेरी जो ये वॉल है ये कैसी लग रही है। इसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें और ली थी और इन पे मैंने जो है कैंडल भी लगाई है, और कुछ में जो है वो अंदर ही लाइट है, कुछ पे कैंडल्स लगाई हैं। तो घर इस टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इस टाइम तहज्जुद का टाइम है तो नमाज़ अदा करने में बहुत मज़ा आया। मैंने लाइट बंद करके जो है तहज्जुद की नमाज़ अदा की, जबकि मैंने एक भी नींद नहीं ली थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं 2 रकात नफिल भी पढ़ूँ। तो बस मैंने 2 रकात नफिल अदा किए और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सहरी की तैयारी शुरू कर दी। तो सहरी में आज मैं बना रही हूँ, आलू फ्राई कर रही हूँ और भिंडी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि सालन कोई भी नहीं खाता और हमारे यहाँ सहरी में यही चीज़ें बनती हैं, या तो शामी कबाब
या तो आलू फ्राई होते हैं या भिंडी या अंडा टमाटर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और सालन वगैरह नहीं होता। तो बस यहाँ मैंने भिंडी फ्राई की है और आलू फ्राई किए हैं, साथ मैंने जो है वो चाय भी रख दी है, क्योंकि अली और बाबा और अम्मा पियेंगे चाय, मैं तो चाय नहीं पीती। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं सहरी में भी चाय नहीं पीती, मैं बहुत कम चाय पीती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो जो सहरी है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने बेहतरीन से आलू फ्राई किए हैं और भिंडी फ्राई की है, साथ लबन है और रोटी बनाई है, और चाय जो है वो मैंने अभी नहीं निकाली। तो मैंने कहा कि पहले कुछ खा लें उसके बाद फिर मैं चाय लेके आऊँगी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो मेरा ये दस्तरखान, मेरी दुआ है मेरे रब से कि इसी तरीके से जो है कुशादा रहे, इसी तरीके से अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड की रोज़ी में बरकत दे। तो यहाँ हम बस आ चुके हैं सहरी करने के लिए। तो सहरी लास्ट टाइम और पिछले 2-3 साल से हम अकेले ही करते हैं घर पे, तो इस दफ़ा अम्मा और बाबा हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और कोई सोया भी नहीं है। हाँ, अली भी 1-1.5 घंटे के लिए सो गए थे और अम्मा भी 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी, लेकिन जब मैं सहरी बना रही थी तो बाबा लाउंज में ही बैठे हुए थे। और यहाँ सब जो है वो चाय पियेंगे और मैं पीऊँगी लबन, क्योंकि मुझे लबन बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सहरी में लबन ज़रूर पीती हूँ। लबन लस्सी को कहते हैं अरबी में, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे लबन और बाकी सब जो है चाय पियेंगे। तो सहरी करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और लास्ट टाइम भी हमने कुछ रोज़े पाकिस्तान में 10 रोज़े रखे थे, तो लास्ट टाइम भी हमने अपनी फैमिली के साथ जो है वो सहरी की थी, और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा रमज़ान ही अल्लाह के हुक्म से जो है वो साथ करेंगे। तो घर में बहुत रौनक है, बच्चे भी बहुत खुश हैं। फातिमा और मरियम इस टाइम बिल्कुल नींद में हैं, सो रही हैं, जबकि मरियम तो सो चुकी थी, लेकिन फातिमा ने अम्मा से कहा था कि जब आप सहरी करेंगी तो मुझे उठाना, तो हमने उनसे कहा था कि हाँ हम आपको उठा देंगे, लेकिन बस मैंने किसी को भी नहीं उठाया और दोनों आराम कर रही हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, और रमज़ान जो है वो बहुत बेहतर तरीके से गुजारिए। सबको खुदा हाफिज़।